छठी मैया की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में डाला छठ का पूजन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पर्व 19 नवंबर 2023 रविवार को मनाई जा रही है। षष्ठी तिथि की शुरुआत 18 नवंबर सुबह 9:18 से हो रही है और 19 नवंबर की सुबह 7:23 पर खत्म होगी। उदया तिथि के अनुसार छठ पूजा का महापर्व 19 नवंबर 2023 रविवार को मनाया जाएगा। 17 नवंबर 2023 शुक्रवार सूर्योदय सुबह 6:45 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:27 पर होगा। इस दिन नहाए खाए होगा और खरना 18 नवंबर 2023 शनिवार सूर्योदय सुबह 6:46 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। इस दिन खरना होगा। संध्या अर्घ 19 नवंबर 2023 रविवार और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। ऊषा अर्घ 20 नवंबर 2023 को होगा और सूर्योदय सुबह 6:47 पर होगा। छठी देवी भगवान सूर्य देव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा यमुना का या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी। इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गांवों में अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदीमान सूर्य को ऊषा अर्घ देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्तिभाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है, साथ ही नेह संतानों को संतान की प्राप्ति होती है। छठ के दिन सूर्योदय में उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमन करें और विधिवत पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सूर्य को धूप और फूल अर्पित करें। छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य को अर्पित करना चाहिए। सर झुकाकर प्रार्थना करते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ओम रिम रिम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा या फिर ओम सूर्याय नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। गरीब लोगों को कपड़े, भोजन, अनाज आदि का दान करना चाहिए। भगवान सूर्य को मजबूत करने के उपाय आपको अवश्य करना चाहिए और छठी माता की पूजा से पहले प्रसाद या भोग ग्रहण ना करें। इससे व्रत खंडित हो जाता है, व्रत टूट जाता है और घोर पाप लगता है। बिना स्नान किए पूजा के लिए बनाई गई किसी भी वस्तु को हाथ ना लगाएं। इससे उसकी शुद्धता भंग हो जाती है और आपका व्रत भी खंडित हो जाता है। छठ पूजा के 4 दिन मांसाहार भोजन ना करें और ना ही धूम्रपान, शराब आदि चीजों का सेवन ना करें। इसके अलावा छठ पूजा के दिनों में लहसुन और प्याज खाने का बिल्कुल भी प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान कभी भी पुरानी टोकरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। छठ पूजा के 3 दिन में पूजा पाठ के नियम पालन करना चाहिए या किसी भी हवन अनुष्ठान आदि में शामिल होने से पहले स्नान अवश्य करें। छठ पूजा के दौरान अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत के खाने में सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। छठ पूजा का भोग या प्रसाद बनाने में मदद करें और बनाने से पहले हाथों को गंगा जल से स्वच्छ कर लें। छठ पूजा पर भगवान सूर्य की पूजा होती है, ऐसे में सूर्य देव को अर्घ देते समय जल के साथ दूध का अर्घ भी दें। छठ पूजा में छठी मैया के पूजन का विधान है।
ऐसे में प्रसाद से भरे सूप से छठी माता की पूजा करें। छठ पूजा के दिनों के दौरान इस पर्व से जुड़ी कथा अवश्य पढ़ें। कथा पढ़ने से व्रत पूर्ण माना जाता है। और कुछ महिलाएं यदि मासिक धर्म पीरियड के दौरान व्रत नहीं रख पा रही हैं, पूजा नहीं कर पा रही हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि यदि आप मासिक धर्म में पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी और के द्वारा अपनी पूजा को संपन्न करवा सकते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं लगता है, अर्थात पुण्य ही आपको मिलेगा। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। ओम छठी मैया की जय हो।